गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निर्देशन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल के गांव में व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के यहां लगेंगे अब पानी के मीटर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले लोगों के भवनों में पानी के मीटर लगेंगे। जल शक्ति विभाग अभी यह तय कर रहा है कि इन मीटर को खुद लगाया जाए या फिर लोग स्वयं लगाएंगे। विभाग को हर महीने इसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले होम स्टे होटलों में पानी के मीटर लगेंगे, जबकि भवन मालिकों को 100 रुपए पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार की ओर से तय की गई पानी की दरों की मार मालिकों के अलावा किराएदारों पर पड़ेगी। सैलानियों को भा रही किन्नौर लाहौल स्पीति की वादियां, होटलों और होम स्टे में एडवांस बुकिंग। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए किन्नौर लाहौल स्पीति सैलानियों की पहली पसंद बन गए हैं। 5 अक्टूबर के बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति में बजट होटल 50% एडवांस बुक हो गए हैं। अन्य होटलों में भी 30% कमरे बुक हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर साफ सुथरी आबोहवा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। वहीं किन्नौर में बर्फ से लकदक पहाड़ और सेब से लदे बगीचे सैलानियों की अपनी ओर खींच रहे हैं। पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने 4 आरोपियों के हैंडराइटिंग सैंपल किए कलेक्ट। हमीरपुर स्थित चयन आयोग में हुए पेपर लीक मामले में विजिलेंस द्वारा अपने केस को मजबूत करने के लिहाजे से आरोपियों के हैंडराइटिंग सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में विजिलेंस ने 4 आरोपियों के हैंडराइटिंग सैंपल कलेक्ट किए हैं और शेष 7 आरोपियों के सैंपल भी जल्द ही लिए जा सकते हैं, जिसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। बता दें कि विजिलेंस द्वारा चयन आयोग में पोस्ट कोड 822 असिस्टेंट स्टोरकीपर के हुए पेपर लीक मामले में शामिल करीब 11 आरोपियों के हैंडराइटिंग सैंपल कलेक्ट करने की इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा रहा है। फर्जी हस्ताक्षर कर महिला को बनाया लोन गारंटर, कोर्ट से समन पर हुआ खुलासा। एक महिला को एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लेने के लिए न केवल गारंटर बनाया अपितु उसके फर्जी हस्ताक्षर भी कर डाले। महिला को इस बात का पता तब चला जब उसे शिमला कोर्ट से समन आया और उसने वकील के माध्यम से जब मामले की पड़ताल करवाई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में महक पत्नी गौरव सारिक निवासी अहमर विला हिमगिरी कॉलोनी ढली शिमला ने बताया कि वो फ्लैट नंबर 1 ब्लॉक नंबर 16 नैना अपार्टमेंट काठा बद्दी में रहती है। 12 अगस्त को उसके पते पर शिमला से समन आया, जिसमें उसकी चाची पुष्पा चंदेल ने समन देने वाले व्यक्ति को बताया कि उसकी भतीजी गाँव धार केवल ठियोग में नहीं अपितु बद्दी में रहती है। समन देने वाले ने फोन पर संपर्क करके उसे समन व्हाट्सएप भेजा। वो 20 सितम्बर को पेशी में नहीं आशा की अपितु उसका वकील हेम सिंह ठाकुर पेश हुआ। वकील से जानकारी मिली कि उन्हें SBI मारोड बनाम संजीव कुमार पुत्र दौलतराम निवासी गांव गलू तहसील ठियोग सिविल सूट केस में पार्टी बनाया है। परिवहन विभाग ने लौटाई फाइल, HRTC नए सिरे से तैयार करेगा घाटे वाले रूटों की सूची। HRTC नए सिरे से घाटे वाले रूटों की सूची तैयार करेगा। निगम ने पहले 168 रूटों को सरेंडर कर इसकी सूची परिवहन विभाग को दी थी, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों की आपत्तियों के बाद परिवहन विभाग ने HRTC प्रबंधन को इसकी फाइल वापस लौटा दी है। इसमें कहा गया है कि निगम ने जो रूट सरेंडर किए थे उसमें कई खामियां हैं। निजी बस ऑपरेटरों को रूट आवंटित करने के लिए सरकार का 60-40 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलने का नियम खरा नहीं बैठ रहा है। कई रूट ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही चक्कर बस का लगता है। यदि प्राइवेट इन रूटों को लेता है तो कितनी बार यह बस चलेगी इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। कुछ रूट केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही घाटे के हैं, उनकी दूरी ही कम है। कई रूट परिवहन विभाग से अप्रूव नहीं है, इसलिए विभाग ने पूरी प्रक्रिया को रोका है। रूटों को लेकर HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि इसको एग्जामिन किया जा रहा है, जल्द ही इसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाएगा। ED ने शुरू की रोगियों की फिजिकल वेरिफिकेशन। ED फर्जी आयुष्मान कार्ड से करोड़ों के फ्रॉड मामले में ED ने निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। ED पता लगा रही है कि जिन रोगियों का क्लेम निजी अस्पतालों ने लिया है उनका इलाज हुआ भी है या फिर फर्जी बिल बनाए गए हैं। ED की टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले लोगों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि अस्पतालों ने जो क्लेम किया है वे सही है या फर्जी। ED की इस कार्रवाई से आने वाले समय में निजी अस्पतालों की दिक्कतें
ओर बढ़ सकती है। ईडी आयुष्मान घोटाले के ऑडिट में निजी अस्पतालों की बैलेंस शीटों सहित बैंक खातों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। इसके अलावा ईडी ने निजी अस्पतालों द्वारा किए गए मरीजों के क्लेम की भी जाँच शुरू कर दी है। शुरुआत में ईडी ने ऊना के एक निजी अस्पताल से आयुष्मान फ्रॉड मामले की जाँच शुरू की थी। देह व्यापार का भंडाफोड़, नालागढ़ पुलिस ने नंगल के होटल में मारा छापा, 7 लड़कियां की रेस्क्यू। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत नंगल में पुलिस ने एक होटल में छापामारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस दौरान 7 युवतियों को रेस्क्यू किया और एक आरोपी के खिलाफ अनैतिक व्यवहार रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार रात नंगल स्थित होटल में जाल बिछाकर दबिश दी और देह व्यापार का पर्दाफाश किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने बीबीएन क्षेत्र में होटल व गेस्ट हाउस की आड़ में अनैतिक कार्य करने वालों में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नंगल के एक होटल में देह व्यापार करवाया जा रहा है। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगी सरकार। प्रदेश के वंचित वर्गों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का फैसला लिया गया है। इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक विद्यार्थियों की राह में वित्तीय सीमाएं आड़े नहीं आएंगी। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए शीघ्र ही मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 23-24 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। बिजली बोर्ड को घाटे से उभारेगी सरकार। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड की खस्ता वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इस सब कमेटी ने बिजली बोर्ड के प्रबंधन के साथ एक बैठक कर ली है, जिसमें बिजली बोर्ड की तरफ से उसकी मौजूदा वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट दी गई है। जो जानकारी बोर्ड प्रबंधन से कैबिनेट सब कमेटी ने मांगी थी वो उनको मुहैया करवा दी गई है, जिसके बाद अब आगे कदम उठाए जाएंगे। अब सब कमेटी के अध्यक्ष से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पावर इंजीनियरों ने भी मिलने का समय मांगा है। इनका एक संयुक्त मोर्चा गठित है, जिसने सब कमेटी से वार्ता को समय मांगा है। जैसे ही उन्हें समय मिलता है तो वे भी अपने सुझाव उन्हें देंगे, जिससे बोर्ड की हालत को ठीक किया जा सकता है। सरकार का मकसद है कि बिजली बोर्ड को घाटे से उभारा जाए और ऐसे जो काम पहले किए गए हैं जिनसे बोर्ड की हालत खराब हो रही है उनको दुरुस्त किया जा सके। अब बिजली बोर्ड प्रबंधन अपनी ओर से भी सुझाव देगा और पूरे मामले पर सब कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी। कुछ और जानकारियां उसने प्रबंधन से बोर्ड के विषय में मांगी हैं। हेडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन लिस्ट जल्द जारी करने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर में पिछले कल आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संदीप ढडवाल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य हेडमास्टर से प्रिंसिपल प्रमोशन की लिस्ट जो पिछले एक वर्ष से नहीं निकाली गई उस पर गहन चिंतन किया गया। यदि इस लिस्ट को शीघ्र नहीं निकाला गया तो बहुत से हेडमास्टर बिना प्रमोशन के ही अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। एसोसिएशन की मांग है कि प्रमोशन लिस्ट को जल्द से जल्द निकाला जाए। प्रमोशन लिस्ट वर्ष में 2 बार निकलती है, परंतु इस बार बहुत ज़्यादा विलंब हो गया है। विभाग ने सारी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।